दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन मुकुल है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द एंट एंड द ग्रास हॉपर का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ और आप टेक्स्ट को भी देखते रहेंगे और मेरे वीडियोस को सुनते रहेंगे तो आपको यह लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ ब्लॉसम नाम की किताब से। यह कहानी है द एंट एंड द ग्रास हॉपर, मतलब चींटी और टिड्डा। तो टिड्डा एक कीड़ा होता है। तो मैं कहानी प्रारंभ करता हूँ। दुनिया के सबसे उत्तरी भाग के ठंडे क्षेत्र में उस समय गर्मी का मौसम था। सभी वहाँ अत्यंत ठंडे जाड़े के मौसम के बाद गर्मी का इंतजार कर रहे थे। सूरज चमकता रहता था और सभी प्राणी खुश थे। टिड्डा आराम कर रहा था और प्रसन्न हो संगीत बजा रहा था। उसे धूप में बैठ संगीत बजाने से संतुष्टि मिलती थी। चींटी गेहूं के दानों को लिए तेजी से ऊपर नीचे जाती रही। वह थकी और गर्मी में नहाई दिखती थी। उसने लंबे समय तक कार्य किया होगा। तुम क्यों इस मौसम में दौड़ भाग कर रही हो? टिड्डे ने चींटी से पूछा। मैं जाड़े की तैयारी कर रही हूं, जब भोजन कम हो जाएगा, और मेरा विचार है कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, चींटी ने जवाब दिया। टिड्डे ने चींटी के सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत अधिक ठंड के बाद सूरज बहुत अच्छा और सुहावना था। सर्दी के लिए भोजन एकत्र करने के बजाय टिड्डा धूप का भरपूर आनंद ले रहा था, इसलिए वह गर्म घास पर लेट गया और फिर अपना संगीत बजाने लग गया। जल्दी ही सर्दी आ गई। घास ठंडी और बर्फ से भरी थी और खेतों में चारों तरफ साए साए करती तेज हवा चल रही थी। चींटी अपने घर में खुशी से सो रही थी क्योंकि उसका भंडार मक्का और गेहूं से भरा हुआ था। वह जानती थी कि उसके पास पूरी सर्दी तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन था। टिड्डा को भूख लगने लगी। उसने घास खाने के लिए बाहर देखा, लेकिन बहुत ठंड के कारण बाहर घास नहीं उगी थी और इसलिए टिड्डा के लिए कुछ भी खाने को नहीं था। कुछ समय के लिए टिड्डा को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। अचानक उसे याद आया कि चींटी के पास हमेशा कुछ खाना रहता था, इसलिए वह ठंडी हवा में चलते हुए चींटी के घर चल पड़ा। कृपया क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? टिड्डे ने विनती की। चींटी गुस्से में और चिड़चिड़ाई हुई थी क्योंकि उसने बहुत परिश्रम कर पर्याप्त खाना एकत्र किया था आने वाली सर्दी के लंबे महीनों के लिए। यदि तुम इतना आलसी नहीं होते और सर्दी के लिए तैयारी कर लिए होते जैसा मैंने सुझाव दिया था, तो तुम अभी भूखे नहीं होते। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अतिरिक्त खाना नहीं है। चींटी आलसी टिड्डे को बाहर ठंड में छोड़कर वापस अपनी गर्म आग और भरी हुई अलमारियों के पास चली गई। टिड्डा वहां खड़ा था। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तो दोस्तों, कहानी यहाँ समाप्त होती है और इसे दो तीन बार आप सुनेंगे तो आपको यह कहानी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं वादा करता हूँ कि बहुत अच्छे वीडियोस बनाकर आपके लिए मैं समय समय पर आता रहूँगा। थैंक यू।